साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज के भाई और मरूफ स्कॉलर और तजिया निगाह शुजा नवाज ने अपनी किताब में इंकशाफ किया है कि उसामा बिन लादेन की खोज लगाने के लिए अमरीकी हुकाम की मदद करने वालों में एक इंटेलिजेंस अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल इकबाल सईद खान भी थे, जो इससे कबल पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी हिस्सा रह चुके थे। बाद में अमरीकी हुकाम ने कर्नल इकबाल को नवाजा और वो अमरीकी शहर सैन डियागो में 24 लाख डॉलर की मालियत की हवेली में रिहाइश पजीर है। याद रहे कि इससे पहले ख्याल किया जाता था कि अमरीकी हुकाम को उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी में मदद करने वाले शख्स का ताल्लुक पाकिस्तानी ISI से था, लेकिन शुजा नवाज की हाल ही में शाया होने वाली किताब द बैटल फॉर पाकिस्तान में अब दावा किया गया है कि इस शख्स का ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से था। एक अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के साउथ एशियन सेंटर से मुंसलिक शुजा नवाज ने किताब के मवाद के बारे में बात करते हुए बताया कि किताब का महफर बिलखसूस सन 2008 से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के बारे में है, लेकिन किताब के बारे में जायजा लिया जाए तो इसमें ऐसे कई वाकयात शामिल हैं जिनका माजी में इतना खुलेआम जिक्र शाज़ो नादर ही हुआ है। उसामा बिन लादेन और इनके खिलाफ सन 2011 में अमेरिका की जानिब से किए गए ऑपरेशन के बारे में शुजा नवाज ने 37 सफात पर मबनी बाब फ्रॉम तोराबोरा टू पठान गली के नाम से लिखा है, जिसमें उन्होंने तफसीली तौर पर इस ऑपरेशन, इसके मुहरकात और उसामा बिन लादेन तक पहुँचने के लिए पाकिस्तानी और अमरीकी खुफिया इदारों की जानिब से की गई मुख्तलिफ कार्रवाइयों का जिक्र किया है। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस ISI के साबिक सरबराह जनरल असद दुरानी ने इंडियन खुफिया इदारे रॉ के सरबराह AS दलत के हमरा अपनी गुफ्तगू पर मबनी दसपाई क्रॉनिकल्स में जिक्र किया था कि अमेरिका को उसामा बिन लादेन के बारे में मालूमात फराहम करने में अहम किरदार एक साबिक पाकिस्तानी फौजी अफसर का था। उन्होंने कहा था कि मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं अपने इल्जाम साबित नहीं कर सकूंगा और ना ही मैं इसको कोई मशहूरी दिलवाना चाहता हूँ। इसको अमरीका से $5 करोड़ के मुआवजे से कितना मिला मैं नहीं जानता, मगर वह शख्स अब पाकिस्तान में नहीं है। शुजा नवाज इस मामले पर रोशनी डालते हुए सफा नंबर 102 पर लिखते हैं, उसामा बिन लादेन की खोज लगाने के लिए मुख्तलिफ अफराद ने अमरीकी हुकाम की मदद की थी, जिनमें से एक ISI के साबिक अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इकबाल सईद खान थे, जो इससे कब मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी हिस्सा रह चुके थे। शुजा नवाज लिखते हैं कि इकबाल सईद खान फौज में बेली के नाम से भी मशहूर थे और फौज से कबल वक्त रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर का काम शुरू कर दिया था। शुजा नवाज लिखते हैं कि गालिबन इकबाल सईद खान के एबटाबाद के दफ्तर को अमरीकियों ने जासूसी के लिए इस्तेमाल किया था और बाद में उन्हें अमरीकी ऑपरेशन के बारे में खामोश रहने पर नवाजा गया। उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई पर पाकिस्तानी हुकूमत ने एबटाबाद कमीशन कायम किया, जिसकी बाजाबता रिपोर्ट तो कभी मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन गैर सरकारी तौर पर सामने आने वाली रिपोर्ट में इकबाल सईद खान को बरी कर दिया गया था। लेकिन शुजा नवाज अपनी किताब में लिखते हैं कि अमरीकी कार्रवाई के फौरन बाद इकबाल सईद खान पाकिस्तान से बाहर चले गए थे और इस्लामाबाद DHA में अपना मकान भी खाली छोड़ दिया। साबिक फौजी अफसर अब अमरीकी शहर सैन डियागो में 24 लाख डॉलर की मालिक की हवेली में रिहाइश पजीर है और सफेद रंग की बेशकीमत गाड़ी BMW इनके जेरे इस्तेमाल है। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।